Viewers, we bring you now a bizarre story from Madhya Pradesh's Indore, where a tenant of a house named Yusuf has filed a complaint alleging that his landlord is threatening him to remove a photo of Prime Minister Narendra Modi that is up on the walls of his house, to either remove it or to vacate the house. This is a complaint that has been filed in Indore by the tenant, whose name is Yusuf, against the landlords, whose names are Sharif, Yaqub and Sultan Masuri. Officials have inquired launched an inquiry over this complaint about removing Prime Minister's photo or vacating the house. Let's listen in to what some of those people involved have been saying. बातों का अनुकरण करता हूं और उनके ही पद चिन्हों पर चलता हूं और इस बात को लेकर विवाद हो गया मकान मालिक से मेरा। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के द्वारा बातों का अनुकरण करता हूं और उनके ही पद चिन्हों पर चलता हूं और इस बात को लेकर विवाद हो गया मकान मालिक से मेरा। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के द्वारा बातों का अनुकरण करता हूं और उनके ही पद चिन्हों पर चलता हूं। जी, आज जन सुनवाई में रीगल चौराहे स्थित जो पुलिस आयुक्त कार्यालय है, इसमें एक मामला आया था जिसमें एक युवक का कहना था कि उसने माननीय प्रधानमंत्री जी का फोटो अपने घर में लगा रखा है और उसके कारण उसके मकान मालिक उसको परेशान कर रहे हैं। तो ये तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है उसका और इसमें पुलिस आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेगी। ये पीर गली थाना सदर बाजार क्षेत्र के अंतर्गत का मामला है और TI को संबंधित को कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया है।